पेश है ये। ऐसे भौंक रहे। पढ़े लिखों के लिए काम नहीं, काम है तो उस लायक पगार नहीं। टैक्स भरो पर फिर भी फैसिलिटीज नहीं। फ्रीडम फाइटर भाई शिकार बच के निकल गया। आप मेरे बेटे को कुछ मत कीजिए। तो दोस्तों, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म साल 1994 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया था। हालांकि इस फिल्म के लिए सैफ अली खान पहली पसंद नहीं थे, लेकिन सैफ के करियर में गेम चेंजर बनी ये फिल्म। उन्हें लग बाय चांस मिली थी। अक्षय कुमार और सैफ अली खान स्टारर फिल्म में खिलाड़ी तू अनाड़ी एक बार फिर चर्चा में है। वह है इस फिल्म का सीक्वल। जी हाँ, आजकल पुरानी फिल्मों के सीक्वल बॉक्स ऑफिस पर काफी चल रहे हैं। ऐसे में अक्षय कुमार और सैफ अली खान की मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के सीक्वल पर बात चली है। दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी कि जब 1994 में फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी बनी, तब भी सैफ फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थे। ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार, सैफ अली खान और शिल्पा शेट्टी लीड रोल में थे। उस साल की टॉप 5 फिल्म में जगह बनाने वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी। इस फिल्म को लेकर क्रेज आज भी बरकरार है। जब भी टीवी पर यह फिल्म आती है तो सिने प्रेमी देखने का मोह नहीं छोड़ पाते। पिंक विला की एक रिपोर्ट की माने तो अक्षय कुमार के अपोजिट पहले शाहरुख खान और सलमान खान को ऑफर मिला था। सलमान खान बिजी चल रहे थे। जब खान को यह फिल्म ऑफर की गई तो वह चाहते थे कि हॉलीवुड फिल्म की तर्ज पर इसमें ओम पुरी या नसरुद्दीन शाह जैसे सीनियर एक्टर काम करे, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म के ऑफर को ठुकरा दिया। वही जब यह ऑफर सलमान खान को ऑफर किया गया तो वह अपने बिजी शेड्यूल की वजह से इस फिल्म को नहीं कर पाए। सलमान खान उन दिनों 4 फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे, फिर सैफ अली खान को इस रोल के लिए चुना गया। बाकी सब इतिहास है। अब करीब फिल्म के 30 साल बाद फिल्म के सीक्वल पर बात चली है। वैसे आप इस फिल्म के सीक्वल में किस एक्टर को विलन के रोल में देखना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी अक्षय सर की डायहार्ट फैन है तो ऐसे ही अक्षय कुमार की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।